हे गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल सा वीडियो और टिप्स एंड ट्रिक्स। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा कि आप किस तरीके से अपने कबाड़ की जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करके कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं अपने किचन के लिए, जिसमें आप अपने किचन का ज़्यादा से ज़्यादा सामान स्टोर कर सकते हैं। तो क्या है, किस तरीके के हैं टिप्स, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम इस तरीके का एक स्टोरेज बनाएंगे, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर मैंने एल्युमिनियम फॉइल लिया हुआ, एल्युमिनियम फॉइल के जो रोलर निकलते हैं ना उनका यूज़ कर रही हूँ, और इनकी आप आवाज़ सुन के देख ही सकते हैं कितने थिक और मजबूत हैं। तो मैंने यहाँ पर ये दो लिए हैं, और इसी के साथ साथ मेरे पास यहाँ पर दो कार्डबोर्ड के ये प्लेटर मैंने तैयार किए हैं। नॉर्मल प्लेटर है, बस इस तरीके से मैंने इनको तैयार किया हुआ है। और बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगी, आज से शायद पहले किसी ने ही आपको इस तरीके का तरीका बताया हो, तो चलिए फटाफट से बता दूँ। तो यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले तो रोल फिक्स कर लेने हैं। अगर थोड़ा सा छोटा बड़ा है तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसे कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने इसका मेज़र किया तो ये दोनों फिक्स थे एकदम से, जो लंबाई वाइज में थे ना बिल्कुल फिक्स थे। तो हमें यहाँ पर निशान, कुछ निशान लगाने हैं जो कि बिल्कुल सीधे दोनों पर एक साइड ही लगाने हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरीके से निशान लगाए जो कि दोनों पे एक साइड मतलब इक्वल आ जाए। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा दिए हैं। अब इन निशान पर हमें एक डीप कट लगाएंगे, बिल्कुल मतलब ज़्यादा मतलब वैसा नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल आप कटर वगैरह से यहाँ पर कट कीजिएगा, और बस हल्का हल्का सा इस तरीके से करेंगे और एक डीप कट लगा देंगे, ठीक है। तो पहले मैंने हल्का हल्का सा कट लगा लिया, जिससे कि फिर मैं इनको अलग अलग करके कट कर सकूँ, जिससे कि आसानी से कट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हल्का हल्का कट लगाने के बाद फिर मैंने इसको इस तरीके से किया है, और ये बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार होता है। और बहुत ही इजी तरीके से बता रही हूँ आप लोगों को, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर जो रोल इस तरीके से हमारे पास एल्युमिनियम फॉइल के या टेस्ट पेपर रोल के तो इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आपको कट लगा लेना है दोनों में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने निशान ड्रॉ किए हैं, उन पर मैंने हल्का हल्का सा कट कर लिया है, ठीक है। अब जब निशान मुझे परफेक्ट मिल गए हैं तो अब मैं इनको अलग अलग करके ही कट करूँगी। तो ये देखिए, अब बस इनको इस तरीके से अलग कट करूँगी, और थोड़ा सा डीप कट मैं यहाँ पर लगाऊँगी। थोड़ा सा इस तरीके से किया है, फिर हल्का सा इसी के साइड से एक कट और लगाया है, जिससे कि ये थोड़ा सा डीप हो जाए। यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर कट लगाया है, जो बीच का पार्ट है इसको मैं इस तरीके से निकाल दूँगी इसमें से। तो ये देखिए, तो बस इस तरीके से जो मैंने इसमें डीप कट लगा दिया ना, सेम इसी तरीके से इन चार तीनों कट को भी मैं इसी तरीके से कर लूँगी, और जितने भी ये तीन बचे हुए हैं तीनों को भी इसी तरीके से मैंने कर लिया है यहाँ पर। अब बस अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आप चाहे तो रोल, अगर आपके किसी मतलब थोड़े से पुराने टाइप दिख रहे हैं तो आप इनको मतलब कवर वगैरह भी कर सकते हैं, बट मैंने ऑलरेडी उस पर वाइट कलर का पेपर रैप किया हुआ है, तो और ये जो रोलर थे वो ऑलरेडी वाइट कलर के थे, तो मैंने इनको यूज़ किया है। तो इन पर मैंने कोई कलर या कोई पेपर वगैरह यूज़ नहीं किया, ये नॉर्मल जैसे थे एज इट इज़ वैसे की वैसी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए, बस इस तरीके से आप जो प्लेटर उनको जो हमने होल किया है ना उनमें बस इस तरीके से आपको फंसा देने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर इस तरीके का मैं दिखाती हूँ, ये जो कट है बस इनको आपको इसमें इस तरीके से रखना है, और बस आपको इस तरीके से इसमें फंसा देना है, ठीक है। तो दोनों आप इसी तरीके से यहाँ पर फंसा लेंगे, और बस इस तरीके से आपको फंसाना है, जैसे कोई स्टैंड वगैरह पर कोई चीज़ को हम फंसा देते हैं। तो ये हमारा ही बन के तैयार हो गया है। देखिए, अब मैंने यहाँ पर किचन कैबिनेट के पे और किचन सेल्फ पे यहाँ पर इस कॉर्नर में जगह खाली है, तो मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, नॉर्मल इस तरीके से आप रख दीजिए इसको, और अब आप चाहे इस पर बहुत सारा अपना किचन का सामान जो है उसको ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। नीचे वाले प्लेटर को मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है, जिससे कि थोड़े बड़े से जो डिब्बे वगैरह होते हैं उनको आप रख सकते हैं। देखिए कितने बड़े स्टील के ये हैं, तो ये नीचे की साइड बिल्कुल ईजी तरीके से आ गए हैं। तो इनको आपने बिल्कुल नीचे टॉप पर लगा दिया है, इस तरीके से ये मुझे थ्री लेयर्स में मिल जाता है। अगर यहाँ पर ऊपर आप देख रहे होंगे थोड़ा सा और बचा है, अगर मेरे पास एक प्लेटर और होता तो मैं इसको फोर लेयर का भी बना सकती थी। तो इस तरीके से आप उसमें अपने सामान वगैरह अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मतलब किचन सेल्फ पर कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही रहती है, तो आप इस तरीके का कुछ भी बनाकर इसको
अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आप देखिए कितना अच्छा और कितनी जल्दी बिना किसी तामझाम के ये बनके तैयार हो जाता है। आप चाहे तो इसको साइड से कोई प्लांट वगैरह रख के आप डेकोरेट भी कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने ये रोलर का यूज़ किया है ना, इनमें ऑलरेडी होल है, तो आप इसमें कोई भी छोटे मोटे से थोड़े से फ्लावर्स आप इसमें डाल दीजिए और ये अपने आप में एक लुक कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको किचन में बहुत ही सुंदर लगने वाला है। अगर मेरा आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो इस तरीके के बॉक्सेस हम लोग किचन में अपने में यूज़ करते ही हैं सामान वगैरह को फिल करने के लिए, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, ये पुराने से हो जाते हैं, डल से हो जाते हैं, ठीक है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो आज इसी तरीके के बॉक्सेस को यूज़ करने के मैं आप लोगों को दो तरीके बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमें किचन, हमारे किचन में जैसे कि कोई किचन होती है नॉन मॉडुलर होती है, छोटी होती है, ठीक है, तो हम उसमें डस्टबिन वगैरह नहीं रख सकते हैं। और किचन में डस्टबिन की कितनी नीड होती है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप इस तरीके के किसी भी बॉक्स को एज ए डस्टबिन यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी चीज़ को पील करते हैं तो उसकी जो पीलिंग होती है, पील्स होते हैं, तो उनको आप डायरेक्टली इस तरीके से करके आप बाहर थ्रो करने जाएं, है ना, या पॉलीथिन में भर भर के रखें, उससे अच्छा है कि आप एक तरीके का और बॉक्स सेट कर लीजिए, उसमें आप अपना कूड़ा वगैरह डालते रहिए, ठीक है। और बस इस तरीके से कैप का यूज़ कर सकते हैं। कैप के यूज़ करने के लिए आप यहाँ पर इस तरीके से क्लॉथ पिन का यूज़ कर सकते हैं। इसको पुल मतलब इसको ओपन एंड शट करने के लिए इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप अपने सिंक के पास में कहीं पर भी अरेंज कर दीजिए, बिकॉज सिंक के पास में ही कूड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि हम सिंक में जब भी खाना वगैरह धोते हैं तो कोई भी सकन वगैरह गिरती रहती है, तो आप डायरेक्टली खोल कर इसमें डाल सकते हैं एंड बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर, और जैसे ही एक बार के काम में ये जो खाना वगैरह बनता है, जैसे सुबह का बन रहा है, ठीक है, तो उसमें ये फिल हो जाएगा, देन आप पॉलीथिन को उठाकर डस्टबिन में डाल दीजिए, नहीं तो आप इस तरीके की कोई भी कील लगाकर उसमें हैंग करके भी रख सकते हैं, ठीक है। तो बस इस तरीके से क्या, बार बार आप खाली करते रहेंगे तो आपके किचन में स्मेल वगैरह भी नहीं आएगी। तो सेकंड यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस तरीके के बॉक्सेस सब ख़राब हो जाते हैं, चटक जाते हैं, टूट जाते हैं, तो आप इनको एक अच्छे सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक बॉक्स था जो कि इस वाले बॉक्स से थोड़ा सा बड़ा था ये बॉक्स, ठीक है, तो इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, आप देख ही सकते हैं इसकी हालत, ये चटक गया था तो ये पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको कट कर लिया है। और यहाँ पर देखिए, अब मैं इसको अच्छे से पेपर से रैप करूँगी, ठीक है। तो ये जो मैंने किचन रैप पेपर लिया है, ये वाटर प्रूफ होता है, आप इसको अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ वगैरह नहीं सकते, बट ये आप वॉश नहीं कर सकते, आप गीले कपड़े करके इसको पोंछ जरूर सकते हैं। और बस इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से रैप कर दिया है, और ये देखिए यहाँ पर बहुत ही ईजी तरीके से हो जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो बस यहाँ पर अच्छे से रैप कर लिया। अब इसके बीच का जो पार्ट है उसको कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक राउंड सर्कल का एक पेपर कट करके रखा है, तो मैं इसको यहाँ पर इसमें डाल दूँगी, ठीक है। और इसके बाद इसके ऊपर सेम कलर का मैं ये और लगा दूँगी, तो मैंने हल्का सा पहले इसको डाला, इस पर कुछ निशान बन गए जिससे कि मैंने इसको उसी सर्कल में काट लिया है, ठीक है। थोड़ा सा ओवल शेप में कट गया था, बट डोंट वरी, अच्छे से मतलब इसमें एडजस्ट हो गया। ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसमें डाल दिया, तो ये देखिए एक ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया। अब गाइस, मैं ये क्या करती हूँ कि मैं अपने किचन में कुछ इस तरीके की छोटी छोटी सी डिब्बियाँ यूज़ करती हूँ, जिनमें मैं अपने जैसे स्पाइसेस जो होते हैं उनको रखती हूँ, जैसे जीरा पाउडर हो गया, काला नमक हो गया, सादा नमक हो गया, ठीक है, और चाट मसाला, काला नमक, ये सब चीज़ें, ब्लैक पेपर वगैरह, इन सब चीज़ों को इसमें रखती हूँ जो स्प्रिंकल की जाती है ना, तो उसमें मैं इन सब डिब्बियों को इस तरीके से इसमें एडजस्ट करके रख देती हूँ, तो थोड़ी सी साइड से जगह हो जाती है। हींग वगैरह जो होती है ना, तो मैं इन सबको इसमें इस तरीके से रखती हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो जाता है फटाफट से, है ना, और अच्छा भी देखने में लगता है, और ये गिरता उड़ता भी नहीं है, बहुत मजबूती से इसमें फिक्स हो जाती है सब चीज़ें, आप इजी निकाल सकते हैं एंड रख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो गाइस, इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट मैंने और बनाई, एक नॉर्मल कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था थोड़ा सा बॉक्स, उसको आधा कट करके और इस पर मैंने इस तरीके का कवर चढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो इसको पहले मैं एज अ कुछ और अलग अदर ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही थी, तो इसमें ये दो यूज़ और बताने वाली हूँ इसके। तो अगर आप इसको हैंग करके रखना चाहते हैं तो कोई भी कील लगा के पीछे होल करके आप इसको हैंग करके भी रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप अपना सामान ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कि आपके ऑयल वगैरह के बॉक्सेस, जो बॉटल्स वगैरह होती हैं जिसका सरफेस जो होता है चिकना हो जाता है, तो आप इस तरीके का कोई भी ऑर्गेनाइज़र बनाकर उसमें रख दीजिए, तो क्लीनिंग में आसानी होगी, बस आपको हटाना है एंड देन अपना सरफेस आपको क्लीन करना है,
एंड आफ्टर क्लीनिंग आप उसे वैसे के वैसे फिर से रख सकते हैं। तो सेकेंड यूज़ में आपको क्या करना है, पीछे की तरफ एक होल कर देना है, जो कि मैं कर ही दे रही हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र, आप इससे इस तरीके की खाली बॉक्सेज जो पड़े होते हैं उनसे बना सकते हैं। नॉर्मली उनको अगर आप पूरा कवर नहीं करना चाहते तो डोंट वरी, बस आप फ्रंट का कवर कर लीजिए, जिससे कि लुक वाइज देखने में अच्छा लगेगा। जब हमारे पास जब भी चीज़ें खरीदते हैं तो इस तरीके की पॉलीथीन आ जाती हैं, तो इनको ऐसे डस्टबिन में यूज़ करने के लिए हम इनको इस तरीके से रख ही लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको आप इस तरीके से पॉलीथीन डाल के आप रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर इस तरीके से ऊपर से इसको मैं बंद कर रही हूँ, बिकॉज इसका कोई कैप वगैरह नहीं है, तो इसको बंद करने के लिए यहाँ पर मैं डबल साइडेड टेप का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने एक साइड डबल साइडेड टेप लगा दी और इसको यहाँ पर इस तरीके से हटाकर दूसरे पार्ट को इस तरीके से इसमें चिपका दूंगी, तो ये बन गया है, ठीक है। यहाँ से साइड से पॉलीथिन वगैरह आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आप आगे की तरफ एक होल करके यहाँ पर वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी एक पॉलीथिन का ऑर्गेनाइज़र है, तो मैं अभी इसको नहीं बनाऊंगी। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आगे बस एक नॉर्मल होल कर दीजिए, आप वहाँ से निकाल सकते हो। ये जो होल किया है उससे आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। अगर आप आगे होल नहीं करना चाहते तो नॉर्मली कहीं पर भी आप इसको ऐसे हैंग कर दीजिए। एंड मैंने यहाँ पर अपने लगाया है, ऊपर देखिए यहाँ पर इस तरीके से लगा हुआ है और जस्ट उसी के नीचे मैंने इसको लगा दिया है। यहाँ पर आप हाथ डाल के भी चीज़ों को इस तरीके से निकाल सकते हैं, पॉलीथिन वगैरह। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया हो। हे गाइस, तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। तो चलिए फटाफट से मैं इस वीडियो को आज को यहीं एंड करती हूँ, बाय।